कैसे हैं आप सब लोग? है आपका बैच में और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एज पर न्यू सिलेबस हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं प्लानिंग चैप्टर प्लानिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छे समझ आएगा क्लास मैं कोशिश करूंगा विद इन फोर पार्ट्स छोटे छोटे चार पार्ट और क्लास ये पूरा का पूरा चैप्टर ए टू जेड खत्म करना क्या है क्लास आपको एसपीसी ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर इसके नोट्स मिल जाएंगे या फिर क्लास टेलीग्राम पर वो आप लेना और बाकी अच्छे समझते रहना अपने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से बना लेना और क्लास हफ्ते भर में उसे एक बार रिवाइज जरूर कर लेना यह चैप्टर क्लास फिक्स हो जाएगा मैं अगेन बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बारह चैप्टर है अगर बात करें क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज की तो अगर आप अच्छे से एक चैप्टर खत्म करो तो ओनली बारह ही चैप्टर है तो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से क्लास पुराने चैप्टर को रिवाइज करते करते आगे बढ़ना आराम से क्लास एट्टी आउट ऑफ एट्टी स्कोर कर लोगे अगर आपने के स्टडीज एम अच्छे से बना ली जो

Organizing, staffing, directing, controlling. ये पांच फंक्शन अगले पांच चैप्टर्स को रिप्रेजेंट करता है अभी तक आपने चैप्टर नंबर के अंदर अंदर मैनेजमेंट मैनेजमेंट में जो जो भी पढ़ा पढ़ा हुआ था उसके अंदर आपने बेसिक बेसिक पढ़ा कि भाई है वो पांच फंक्शन से चलता है एक फंक्शन नहीं होता बहुत सारे लोग मैनेजमेंट करते हैं क्योंकि इतने सारे फंक्शन है एक इंसान सारे काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता तो हर कोई अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा उसी पांच फंक्शन में से आज हम पहला फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लानिंग देखो प्लानिंग की जरूरत पड़ती है हमेशा किसी गोल से देखो तो जब तक कोई गोल नहीं आएगा प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके दिमाग में एक गोल आया कि अच्छा मुझे ट्वेल्थ में नाइन्टी परसेंट लाने या फिर मुझे क्लास एसआरसीसी में हिंदू में रामजस में किरोड़ीमल में जाना है मुझे ये काम पूरा का पूरा करना है आपका एक गोल बन गया अब उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे प्लानिंग करोगे कि प्रॉपर किस तरीके से मैं प्लान करके इस गोल को अचीव कर सकता हूं जैसे आप घूमने जाते हो मॉल जाते हो बर्थडे पार्टी देते हो ट्रिप पे जाते हो कहीं तो आप पूरा प्लान करके चलते हो हर एक चीज़ कि मुझे क्या क्या रखना है सामान क्या क्या कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी इंटरनेट कितनी ज़रूरत पड़ेगी और आप ए टू जेड सारी चीज़ें अपने हिसाब से डे टू डे लाइफ में हम सब क्लास प्लानिंग करते हैं किसी एक गोल को अचीव करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजमेंट में क्लास प्लानिंग जो की जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए की जाती है कि यार हम लोग किस तरीके से अचीव करें उसका एक फ्रेमवर्क बना दिया जाता है दैट इज कॉल्ड प्लानिंग सो क्या है चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो क्लास ठीक है मल्टीनेशनल कंपनी हो इंटरनेशनल कंपनी हो ग्लोबल कंपनी हो हर किसी को प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है तो मैंने आपको एक बात बताई थी पहले जो काम हर किसी को करना पड़ता है उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज कर देते हैं पोवेसिव यानी यूनिवर्सल फेर आपकी मदर भी घर पे प्लानिंग करती है कि आज का पूरा दिन कैसे निकलना है सुबह तुम्हें कैसे खाना पीना खिला के ब्रेकफास्ट करा के लंच पैक करके तुमको स्कूल भेजना है तुम्हारे स्कूल से आने तुम्हारे सारे कपड़े तुमको रेडी मिल जाते हैं हर चीज़ तुम्हें क्लास हाथों में दे दी जाती है हर एक चीज़ तुम्हारे घर वालों के द्वारा ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको तो उसके लिए उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की थी तभी क्लास आपको टाइम पे लंच मिल जाता है बना बनाया पैक करके टाइम पे क्लास आपको खाना मिल जाता है कपड़े आपको धुले धुले मिल जाते हैं इसका मतलब पूरी प्लानिंग किसी और ने आपके लिए कर रखी है उसी तरीके से क्लास हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लानिंग की अगर हम बात करें तो एक मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग जहां पे क्लास पूरा का पूरा फ्रेमवर्क रेडी कर दिया जाता है अच्छा मुझे कल क्या क्या करना है या फिर मुझे इस गोल को कैसे अचीव करना है मुझे अगर सीवी टी में अच्छा स्कोर करना है ट्वेल्थ में अच्छे परसेंटेज लाने तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपने पेपर पर पे बना लिया फिर उसे इंप्लीमेंट करोगे तो वो आइए फंक्शन हो जाएंगे ठीक है प्लानिंग की बात करें प्लानिंग कैन बी डी एज थिंकिंग इन एडवांस देखो सबसे पहली बात प्लानिंग हमेशा जो है फ्यूचर के लिए किया तो प्लानिंग तो फ्यूचर्स है देखो प्लानिंग परवेसिव तो है ही है बिकॉज हर कोई कर रहा है छोटी बड़ी कंपनी हर कोई कर रहा है प्रॉफिट मेकिंग नॉट प्रॉफिट मेकिंग दूसरी बात

ना, क्या है क्लास डिफरेंस बिटवीन क्या डिफरेंस है क्लास हम आज कहां पे हम कल कहां पहुंचना चाहते हैं ये प्लानिंग है ठीक है हम हम प्लानिंग के कुछ फीचर्स की बात करते हैं प्लान जैसे आपने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं उनके फीचर्स आपने पढ़े हैं उसी तरीके से प्लानिंग के फीचर्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है तो सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया पर्वेसिव है प्लानिंग कंटिन्यूअस है प्लानिंग फ्यूचर्स टेक है ये तो हमने अभी आप इसके बारे में तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था फ्यूचर्स टेक और परवेसिव अब एक करके क्लास सारी की सारी चीज़ समझते हैं सबसे पहले नेचर की बात करें प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव भाई बिना ऑब्जेक्टिव के बिना गोल के प्लानिंग हो ही नहीं सकता अगर आपके पास कोई गोल है कोई टारगेट है तो क्लास हम क्या करेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग करेंगे मैं आई नो हर एक बच्चे का टारगेट सेम कॉलेज नहीं होगा हर एक बच्चे का टारगेट सेम फील्ड नहीं है सेम परसेंटेज नहीं है बट जिसको 40 परसेंट लाना है जिसको पास होना है जिसको 80 परसेंट लाना, लाना है जिसको नब्बे लाना है जिसको हंड्रेड लाना है वो सब बच्चे क्लास अपने लेवल पर प्लानिंग करते हैं कि मुझे साल भर कैसे कैसे पढ़ाई करनी है मैं भी डेली उठता हूँ तो मैं प्लान करता हूँ कि मुझे आज दिन भर में नंबर ऑफ वीडियो बनानी है, है, कितना कितना टाइम टाइम बच्चों की क्वेरीज़ पे देना क्या नहीं करना ये करूं वो करूं बस सुबह मैंने प्लान कर लिया अब मैं उसी हिसाब से प्लान को इंप्लीमेंट करता जाऊंगा और प्लान को चलाता चला जाऊंगा तो विदाउट ऑब्जेक्टिव तो प्लान जी नहीं बन सकता प्लानिंग स्टार्ट विद जब ऑब्जेक्टिव ही नहीं तो प्लान किसका करोगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव या सेटिंग ऑफ गोल प्लानिंग डिसाइड द मैथड प्रोसीजर एंड स्टेप्स टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आपने देखो सोच लिया कि मुझे इस साल कंपनी में प्रोडक्शन को बढ़ाना है लेकिन उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तुम्हें रॉ मटेरियल भी ज़्यादा खरीदना पड़ेगा चार पाँच लेबर भी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे ज़मीन ज़्यादा लेनी पड़ेगी प्रचार ज़्यादा कराना पड़ेगा तभी तो माल ज़्यादा बिकेगा या प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे दो चार मैनेजर को और हायर करना पड़ेगा तो प्लानिंग आपने कर ली पेपर पे जब उसे आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे चीज़ों को मुझे ज़्यादा नंबर लाने हैं भैया ज़्यादा पढ़ना भी तो पड़ेगा वो देखो ना अगर वो पढ़ सकते हो तो प्लान करो अदरवाइज प्लान तो पेपर पे बनता है उसकी वैल्यू नहीं है जैसे कई बार आपने टाइम टेबल बनाया होगा भाई पेपर पे, पे लेकिन उसको फॉलो नहीं किया तो दैट इज़ वैल्यूलेस सो प्लानिंग करते हैं फिर गोल को अचीव करने के लिए क्लास मेथड प्रोसीजर स्टेप्स वो सारी चीजें क्लास बनाई जाती है तो प्लानिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कह सकते हो इसको आप ना गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी कह सकते हो या गोल ओरिएंटेड भी कह सकते हो मैनेजमेंट में पढ़ा था आपने और कॉन्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो सेकेंड फीचर इसका आता है क्लास प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन और बेस ऑफ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखो यार आप सबको पता है कि देर आर फाइव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप बिना प्लानिंग काम करते तो काम बिगड़ता नहीं की थी तो काम खराब हो गया बिगड़ गया तो आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्लानिंग प्राइमरी है प्लानिंग फर्स्ट है उसके बिना क्लास आप आए के फंक्शन की शुरुआत नहीं कर सकते आप भले ही डे टू डे लाइफ में ऐसा कर लेते आपको लगेगा सर मैं तो प्लानिंग नहीं करता और काम कर लेता हूँ ठीक है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है करोड़ों लोग का पैसा फसा होता है लाखों लोग काम कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं तो ये लोग क्लास सबसे पहले अच्छे से प्लान कर लेंगे प्लानिंग एक एक सीड की की तरह है, एक बीज की तरह है है बीज आपने अच्छा बीज बोया अच्छे से क्लास खाद डाला सब कुछ किया तो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और क्लास आपको फल फ्रूट अच्छे से देगा राइट सो इट इज द फर्स्ट फंक्शन टू परफॉर्म बाई एवरी मैनेजर नो अदर फंक्शन टू बी परफॉर्म विदाउट प्लानिंग भाई बिना प्लानिंग के तो प्लानिंग क्या है क्लास प्राइमरी

तीसरा प्लानिंग इज परवेसिव और एवरी लेवल परवेसिव मतलब क्लास हर जगह हर कोई करता है ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ बड़ी कंपनियां करती हैं चाहे वेदर इज स्कूल चाहे वो क्लास स्कूल हो चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे आपकी मदर हाउस वाइफ घर पे खाना बना रही हैं फिर जॉब भी कर रही हैं उन सबको लाइफ में प्लानिंग करनी पड़ती है चाहे आप टॉप लेवल के मैनेजर हो चाहे आप लोअर लेवल के मैनेजर हो चाहे आप मिडल लेवल के मैनेजर हो, हो आप सबको प्लानिंग करनी पड़ती है कीप इन माइंड ध्यान सुनो लेकिन लेकिन, प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है टॉप लेवल मैनेजर्स की क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल होते हैं उनका दिमाग शार्प चलता है दे दे हैव हैव लॉट्स ऑफ ऑफ डेटा पास्ट एक्सपीरियंसेस द सेंस आल्सो कि भाई समझते हो ना कल को क्या होने वाला है आज अगर आप दुकान पे जाए कोई सामान खरीदते हो तो दुकानदार ने वो पहले से बना के आपके लिए रखा है मैगी को कैसे पता चलता है कि इस साल में इतनी डिमांड होगी और उतने मैगी के पैकेट पहले से बना के मार्केट में भेजते हैं

समझ रहे हो ये चीज़ जरूर टॉप लेवल मैनेजर डिसाइड करेगा कि ओवरऑल पॉलिसी क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन की बट हाँ ये नहीं कि सारी चीज़ें वही करें छोटे छोटे प्लान जो नीचे भी बनते हैं वो क्लास बनते हैं लोअर लेवल लाइक मेरे आ, मेरे मैनेजर ने कोई प्लान बनाया है ना तो उस प्लान को मेरे को इम्प्लीमेंट करके रियल लाइफ में अचीव करना है तो मैं भी और छोटे छोटे सपोर्टिव प्लान बनाऊंगा बड़े प्लान को अचीव करने के लिए राइट तो उसको बोलते हैं क्लास सपोर्टिव प्लान तो जो मेजर प्लान होता है वो टॉप लेवल मैनेजर करते हैं बट इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे डेरिवेटिव या सपोर्टिव प्लान बनते हैं उसको क्लास नीचे लेवल के मैनेजर भी करते हैं मतलब हर एक इंसान अपने लेवल पे प्लानिंग कर रहा है गोल को अचीव करने के लिए सो इट इज पॉवेसिव और हर कंपनी में होता है चौथा प्लानिंग फ्यूचर्स और फॉरवर्ड देखो जब भी हम करते हैं प्लानिंग तो हमारे दिमाग में आता है बैठ ही कुछ सोचना ये ही आता है कि नहीं आता है कि नहीं भाई मैं बैठे कुछ सोच रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ तो आप लोग कहते नहीं कभी किसी ओ भाई क्या रच रहा है क्या सोच रहा है तो जब हम घर बैठे कोई चीज सोच रहे होते इंटलेक्चुअल तो प्रोसेस है कल कैसे कैसे करेंगे ये काम कैसे कैसे होगा दैट इज कॉल्ड प्लानिंग राइट तो प्लानिंग फ्यूचरस्टिक है फ्यूचर स्टेक का मतलब क्या अभी हम प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं हम कभी भी पास्ट को बदल नहीं सकते हम हमेशा फ्यूचर को क्लास हम चेंज करने की सोचते हैं ठीक है कि हम कल को हमारा हमारी कंपनी का भविष्य क्या होगा कल को हम लोग ट्वेंटी परसेंट सेल्स इंक्रीज करेंगे टेन परसेंट सेल्स इंक्रीज करेंगे कल को हम लोग इस रेवेन्यू तक पहुँचेंगे इतने वर्कर्स के साथ काम करेंगे इतने लोगों को सपोर्ट देंगे जो भी चीज़ें हैं

मतलब कि ये साइकिल को ब्रिंग बैक लेके आते हो प्लान किया गोल अचीव हुआ फिर प्लान किया फिर गोल अचीव हुआ फिर प्लान किया फिर गोल अचीव हुआ फिर प्लान किया फिर गोल अचीव हुआ ये चलता ही रहता है दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान ऑल्सो वन हैज टू बी इन टच विद द चेंजेस इन इन्वायरमेंट एंड मेकिंग फ्यूचर प्लान अकॉर्डिंगली तो भैया आप प्लान बनाते हो ये नहीं कि प्लान बना के भूल गए प्लान को इंप्लीमेंट भी करना है साथ साथ चलना भी है लाइक like मेरे को कोई प्लान बनाना है मैंने हज़ार लोगों को प्लान बता दिया लेकिन उन हज़ार लोगों को भी फॉलो भी करना है कि ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जैसा मैंने प्लान किया था आपके पेरेंट्स आपके लिए कहते तुझे परसेंटेज लाने नब्बे परसेंट लाने इतना क्या, क्या नहीं भूलते वो हर महीने में दो महीने में आपसे फीडबैक लेते हैं भाई क्या चल रहा है कितनी पढ़ाई हो रही है उसी हिसाब से पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही समझ रहे हो तो प्लानिंग जो है क्लास कंटिन्यूस है प्लानिंग नेवर एंडिंग फंक्शन है क्लास मैनेजमेंट की तरह ये हमेशा क्लास चलता रहता है हम एक गोल बनाते हैं जैसे आपने सुना होगा बड़ा दसवीं कर ले बस दसवीं कर ले बस बारहवीं कर ले बस बारहवीं कर ले तुम सोचते हो खत्म हो जाएगा ये नहीं ख़त्म जिंदगी में कभी नहीं होगा मरने के बाद ही ख़त्म होगा उससे पहले कभी कोई चीज़ खत्म नहीं आप कितने ही बड़े इंसान बन जाओ कितने ही बन जाओ कुछ भी काम करना पड़ेगा पढ़ाई करनी पड़ेगी पढ़ाई नहीं तो अपने फील्ड में काम करना पड़ेगा एक्सपर्टीज़ जो है वो लानी पड़ेगी प्रैक्टिस क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी ट्वेल्थ पास आउट जाओगे तो बस ग्रेजुएशन कर ले नहीं फिर आप ग्रेजुएशन के प्लान बनाओगे ग्रेजुएशन हो गया फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के प्लान बनाओगे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया फिर नौकरी के लिए इंटर्नशिप के लिए तैयार करोगे वो काम हो गया फिर नौकरी लगेगी फिर उसके बाद आपकी फिर आप प्रमोशन के लिए काम करोगे और ऊपर जाने के लिए काम करोगे तो खत्म कभी नहीं होने वाला नेवर एंडिंग एक प्लान बनेगा गोल अचीव होगा दूसरा प्लान बनेगा गोल अचीव होगा तीसरा प्लान बनेगा गोल अचीव होगा आप में से कई सारे बच्चे गलती करते हैं कि प्लान बहुत सारे बना लेते हैं अचीव एक भी नहीं करते

तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं क्लास अगले पार्ट में मैं छोटे छोटे चार पार्ट रख रहा हूँ इसके क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं ये और बड़े चैप्टर हैं ऑर्गेनाइजिंग बड़े चैप्टर हैं क्लास स्टाफिंग डायरेक्टिंग और बड़े चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग बाकी चैप्टर छोटे हैं तो आराम से क्लास आप इतना अच्छे से आप सारे मीनिंग फीचर्स अच्छे से लर्न करके आओ अगली क्लास में बाकी चीजें करेंगे और कोशिश करेंगे विद इन फोर पार्ट्स छोटे छोटे चार पार्ट्स के अंदर इस चैप्टर को पूरी तरीके से दी एंड करेंगे आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आया तो लाइक करो शेयर करो अपने सारे दोस्तों में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में योद्धा बैच के और इसको क्लास चैप्टर को और आगे लेके चलते देन टेक केयर बाय बाय इसे याद करके पढ़ के जरूर आना सारे पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में सेट होने चाहिए बस पांच ही फीचर है उनको अच्छे से लर्न कर लो ठीक है मिलते नेक्स्ट वीडियो में देन टेक केयर बाय बाय बाकी प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज भी है ध्यान रखना मतलब प्लानिंग दिमाग से चलता है प्लानिंग ऐसी चीज़ है जो मेंटल एक्सरसाइज है यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है है ना दिमाग से चलता है आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं प्लान करना पड़ता है क्या होगा कैसे होगा सोचना पड़ता है इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं अगली क्लास में ठीक है बाय